हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज का टॉपिक बहुत ही अलग है, बिकॉज आज हम लोग अपने गोरोट के गेम के अंदर यूनिटी एड्स लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कि आप लोग को एड ऑन पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा गोरोट 4 के लिए। एंड वैसे हम लोग यूनिटी एड्स चलाना क्यों चाहेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, एडमो में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एडमो किसी एक रीज़न से किसी एक ऐप के लिए बैन हो चुका है, तो आप अगर फिर से नया एडमो अकाउंट बनाओगे, चाहे किसी दूसरे के नाम से बनाओ, आप उस ऐप के ऊपर ऐड रन नहीं कर सकते। ऐसे में आपको अल्टरनेटिव चाहिए होगा, तो मुझे लगता है गेम्स के लिए यूनिटी एड्स एडमो के बाद एकदम सही, एकदम परफेक्ट चॉइस है। एंड इसके लिए एक ऐड ऑन होना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ऐड ऑन को कैसे लगाना है। बाकी जो नॉर्मल एडमोब के एडाउंस होते हैं उनमें जो फीचर्स होते हैं सिमिलर मैंने रखने की ट्राई की है, ताकि आप लोग को ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। एकदम सिमिलर चीज़ है, मतलब ऐड को पहले लोड कराओ फिर शो कराओ, वैसा ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। बल्कि ये एडाउन थोड़ा सा और आप लोग को ईजी मैंने करके दिया है और बाकी एडाउंस की कंपेरिजन में। तो आप लोगों को ना यहाँ पे कहाँ से डाउनलोड करना है वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा सब्सक्राइबर्स को, ठीक है, बाद में बताऊंगा। और वैसे मैं इसे इच के ऊपर पेड रख रहा हूँ, $1 का समथिंग। तो ऐसे एक एड ऑन की जेब आप लोग को मिलेगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बेस एड ऑन का फोल्डर आएगा ये वाला, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख देना है इस तरह से। तो ये अपने प्रोजेक्ट में आ चुका है। अब हम लोग को इसको इनेबल करना है, तो प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, प्लगइन्स में जाना है एंड इनेबल इस तरह से करते हैं इसे क्लोज। और अब यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह जैसे बनाते हैं वैसे यहाँ पे एक सिंपल सा इंटरफेस क्रिएट करेंगे। पहले तो काम करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सो दैट जब हम फ़ोन में रन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे मैं पोर्ट्रेट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट करेंगे, मोड को कैनवास आइटम्स, और ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन्स बनाएंगे। तो यूज़र इंटरफेस लेते हैं, अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं सीन को एंड इसको मेन भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी बड़ी विंडो है बट फ़ोन में सही आएगी, ओके। अब इसके ऊपर अटैच करते हैं एक स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम लोग को जैसे हम एडमोब के एडऑन में करवाते थे वैसे ही यहाँ पे अपने को एक नया यहाँ पे नोड देखने को मिलेगा यूनिटी एड्स करके, ये रहा, ठीक है। और अब हम लोग को सबसे पहले इसको करवाना है इनिशियलाइज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिटी एड्स डॉट इनिशियलाइज, ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे। एंड इसमें भी हम लोग को ढेरों सिग्नल्स मिलते हैं, यहाँ पे देख लो आप सारे बैनर की जैसे एडमो में मिलते थे, मैंने सिमिलर रखने का ट्राई किया है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ और जो इसमें बहुत आसान मैंने बनाई है आप लोग के लिए, अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग को टेस्ट IDs ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे टेस्ट मोड इनेबल करो और ये होगा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। डिसेबल करते ही आप अपनी लगा दो, इनेबल करते ही ये टेस्ट IDs है, इनको अगर आप चेंज करोगे तो मे बी आपको ऐड शो ना हो, ठीक है। और यहाँ पे बैनर की पोजीशन में मैंने टॉप और बॉटम दो फीचर यहाँ पे दिए हैं, और इसके अलावा टेस्ट मोड आपको इनेबल कर देना है। और अब हम लोग ऐड शो करवाते हैं, तो बैनर ऐड के लिए मैं यहाँ पे प्रेस सिग्नल को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिटी एड्स डॉट लोड बैनर ऐड। बस एक बैनर ही ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लोड रखा है। बैनर में क्या होगा, जब आप लोड कर लोगे तो शो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा लोड करने के साथ ही, लेकिन बाकी के हैं उनके आपको शो अलग से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का अगर प्रेस सिग्नल में कनेक्ट करूँ, यहाँ पे लिखेंगे यूनिटी एड्स डॉट लोड इंटरस्टिशियल ऐड, रिवॉर्डेड के लिए भी सेम। देखो आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करते हो कि भाई हमारा ऐड वर्क नहीं कर रहा, बहुत ऐड के तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो भाई जैसे एक एक स्टेप फॉलो करो आप लोग, आपका डेफिनेटली वर्क करेगा 4.3 में। तो इसके अलावा दूसरा कोई वर्जन है तो मे बी वर्क ना करे, बट 4.3 की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद इंटरस्टिशियल ऐड लोड तो हो गए, अब इनको शो करवाना है, तो शो कब करवाएंगे, जब सक्सेसफुल लोड हो जाए। तो यहाँ पे सिग्नल में आएंगे यूनिटी एड्स के और इंटरस्टिशियल ऐड लोड कंप्लीटेड कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यूनिटी एड्स डॉट शो इंटरस्टिशियल ऐड। अगर आप लोग बिना लोड के शो करवाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ना एक एरर आएगा, किसमें,
वो आएगा आई थिंक शो फेल्ड सिग्नल, यहाँ पे इंटरस्टिशियल एड शो फेल टू शो, ये रहा सॉरी इंटरस्टिशियल एड शो स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे एक शो फेल्ड का भी होना चाहिए, फेल टू शो ये रहा। तो ये जो सिग्नल है इसमें एक एरर आएगा यहाँ पे कोड कि भाई लोड नहीं किया गया। तो आपको ये सब चीज़ें भी हैंडल करने का मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी है। इसके बाद रिवॉर्डेड ऐड का भी हम सेम सिग्नल कनेक्ट करेंगे, रिवॉर्डेड ऐड लोड कम्प्लीटेड, ये सक्सेसफुल लोड के ऊपर ही हम शो करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, शो रिवॉर्डेड ऐड। तो देखो इतना सिंपल प्लगइन है, कुछ भी नहीं करना, टेस्ट करना है तो बस एक ऑप्शन को इनेबल कर दो, ऑटोमेटिक ये डेटा फिल हो जाएगा। और फिर अगर आप लोग टेस्ट में इसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, इसको डिसेबल करके फिर ही आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आना है, एक्सपोर्ट में आना है, नया यहाँ पे ऐड करेंगे एंड्रॉयड यूनिटी ऐड टेस्ट, ये सब चीज़ें इनेबल कर लेंगे जो ये बोल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अपने को एक परमिशन भी इनेबल करनी है इंटरनेट की। तो जिसको भाई नहीं पता इंटरनेट की परमिशन कहाँ पे होती है तो देख लो, ये रही इंटरनेट की परमिशन, इसको इनेबल करके फिर ये ऐड को टेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ और करनी है, इंस्टॉल एंड्रॉयड बिल्ड टेम्पलेट, क्योंकि हम लोग ऐड ऑन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। बस हो गया अपना काम, अब हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंड्रॉयड करके फोल्डर आ जाएगा वो काम करने के बाद, तो इसे टेस्ट करते हैं हम लोग। मैं फटाफट अपने डिवाइस को, फ़ोन को यूएसबी से कनेक्ट कर लेता हूँ, सो करते हैं रन। अगर आप पहली बार ये ग्रेडल बिल्ड कर रहे हो ना अपने गोरोट के अंदर तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, तो उसको होने देना है। और इसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, कभी कभी आते हैं जब आपने कोई चीज़ सही से सेटअप नहीं की होती, या फिर ऐड ऑन के अंदर कोई एक फ़ाइल इसको नहीं मिलती, तब ऐसे एरर्स आते हैं, रेड कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वो मैक्सिमम कॉमन होते हैं बहुत लोगों के। तो आप लोग किसी से भी पूछ के शेयर करके, जिसको आया है वो आपकी हेल्प कर सकता है। और मैंने बहुत सारे एरर देखे हैं ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस, तो आप लोग डिस्कॉर्ड पर कमेंट करके स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करके रख दो, या तो कोई और हेल्प कर देगा या मैं देखूँगा तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आप लोग को और करनी है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो अपने पास यूनिटी एड्स के जो ऐड ऑन है ना, इसमें एक AR फाइल होती है, ठीक है, जो कि प्लगइन बनाते टाइम पे क्रिएट होती है। और इसमें गोरोट में एक प्रॉब्लम है, गोरोट प्लगइन में, कि अगर आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी उसमें यूज़ करते हो AR फाइल में, तो क्या होता है वो लाइब्रेरी ना आपको अपने ऐप के मैनिफेस्ट में लगानी होती है, नहीं तो फिर वो उसे डिटेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे एक कोड होगा सिंपल सा, ये रहा। तो ये आप लोग को एज इट इज़ करना है कॉपी, इम्प्लीमेंटेशन मैं आप लोग को दे दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे। तो आप लोग को फिर ओपन करना है अपना एंड्रॉयड फोल्डर जो कि बिल्ड टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद आया था, देन जाना है बिल्ड में, देन यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी ग्रेडल सोर्स फाइल बिल्ड करके, इसको VS कोड में या फिर नोटपैड में ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक डिपेंडेंसी करके एक टैग मिलेगा, ये रहा, इसमें यहाँ पे उसको रख देना, ऐसे कर देना है सेव, उसके बाद इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। अब इस ऐप को करना है रन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अगर आप फ्यूचर में अगर कोई खुद से प्लगइन क्रिएट करते हो ना, तब मेक श्योर अगर आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उसमें, तो वो अपने ऐप के उसमें बिल्ड में ग्रेडल में ऐड करना, प्लगइन के ग्रेडल में ऐड करने से कुछ नहीं होगा। तो ये अपना ऐप चल चुका है, यहाँ पे लोड बैनर पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लोड बैनर पे क्लिक करते हैं, यूनिटी एड्स करके बैनर आ गया, और क्योंकि हमारी बैनर पोजीशन यहाँ पे टॉप थी इसीलिए यहाँ पे टॉप में आया है। इंटरस्टिशियल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरस्टिशियल ऐड भी चल रहा है प्रॉपरली, ये बेसिकली टेस्ट एड्स हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है। और इंटरस्टिशियल ऐड को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं ऐसे। और रिवॉर्डेड ऐड अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो रिवॉर्डेड ऐड भी आपको सेम दिखने को मिलेगा टेस्ट का, तो बट इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखना, मैं स्किप करने का कोशिश करूँगा, तो ये देखो यू विल लूज योर रिवॉर्ड, इस तरह से काम करता है ये। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को और बताना चाहूँगा, वो ये है
रिवॉर्डेड ऐड को में बेसिकली रिवॉर्ड्स होते हैं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि रिवॉर्ड अपने को देना है नहीं देना? तो इसके लिए ना एक चीज़ आती है यहाँ पे, अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो शो रिवॉर्ड ऐड, हाँ यहाँ पे एक सिग्नल आता है। यहाँ पे जब रिवॉर्डेड ऐड पूरा शो हो जाता है तो यहाँ पे देखो एक सिग्नल है, रिवॉर्डेड ऐड शो कम्प्लीटेड, इसको आपको करना है कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इस सिग्नल से ये पता चलेगा कि यूज़र ने रिवॉर्डेड ऐड पूरा देखा है या फिर स्किप कर दिया है। तो अगर यहाँ पे उसने स्किप कर दिया होगा तो उसको आपको यहाँ पे चेक कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ कोड इज़ इक्वल टू GoToTrinityAds.AddShowCompleteState.Completed। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इसका मतलब है कि यूज़र ने पूरा ऐड अपना देखा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, कॉइन देना है, कोई आइटम देना है, वो सब इस तरह से। तो ये पूरा डेमो मैं आप लोग को दे दूँगा और आप लोग इसको ट्राई करना, अगर एडमम नहीं चल रहा हो, एडमम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, देन यूनिटी एड्स सही है गेम के लिए। हाँ एडमम जितना रिवेन्यू शायद ना हो, बट उससे क्लोज में आपका हो जाएगा, और एडमम से तो वैसे बेहतर ही कहूँगा किस मामले में कि आपका कभी कभी एडमम में बहुत ज़्यादा ऐड शो नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, नो फिल एरर वगैरह, ये मुझे भी बहुत आ चुके हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन है यूनिटी, ठीक है। और बाकी आप लोग को जिनको नहीं पता था यूनिटी एड्स क्या होता है, उनको भी पता चल गया है, तो बहुत बढ़िया है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सॉरी यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया नहीं कि उस ऐड ऑन को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आप लोग उस ऐड ऑन को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे मैं लिंक दे दूँगा अभी आज के दिन में ही, या फिर आपको चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगी ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए, तो भाई जाके डाउनलोड कर लेना इसे और ट्राई करना। और बाकी इच के ऊपर पेड है ही, आप लोग को दिखा देता हूँ इच के ऊपर, तो यहाँ पर ये रहा वो ऐड ऑन, यहाँ पे आप लोग को परचेस कर सकते हो, जो भी नया बाहर से आया है कोई परचेस करना हो कर लेना, थोड़ा $1 का ही, ज़्यादा मैंने महंगा नहीं रखा है, ₹80 में आपको मिल जाएगा पूरा ऐड ऑन, और एकदम 100% वर्किंग है 4.3 वर्जन के लिए, तो भाई यूज़ करना इसको। और चलो मेरा यही काम था आप लोग की हेल्प करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।